गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर EVS क्लास। EVS की क्लास में हमने बेटा 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर 3 इज़ माई सेंस ऑर्गन्स। ओके, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनसे हमें हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में कुछ पता चलता है ना, हमको कुछ फीलिंग होती है या फिर कुछ चीज़ें सुनाई देती है या फिर दिखाई देती है, तो ये होता है सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में कुछ क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वह हम इस चैप्टर में अब रीड करेंगे। नाउ लुक हियर, यहाँ पर आपको एक गर्ल दिख रही होगी और एक बॉय। ठीक है, गर्ल क्या कर रही है? म्यूज़िक सुन रही है ना, और बॉय क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। तो ये म्यूज़िक किसकी हेल्प से सुन रही है? हम सुनने का काम किसकी हेल्प से करते हैं? हमारे ईयर्स। ठीक है, वी हैव 2 ईयर्स, हमारे पास 2 कान हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। एंड वी हैव 2 आईज, हमारे पास 2 आँखें हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा है इन इमेज, है ना, ए नंबर की जो इमेज है, द गर्ल इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुन रही है। She is using her dash to listen to music. तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वह किसका यूज़ कर रही है म्यूज़िक सुनने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? ईयर्स। ओके, देन इन इमेज बी द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक, लड़का क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। ही इज़ यूजिंग हिज डैश टू रीड द बुक, किसका यूज़ कर रहा है वह बुक पढ़ने के लिए? आइज। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? आइज। तो ये दोनों आपके क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। ऐसे और हमारी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन्स है जो आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। सेंस ऑर्गन्स, SENSE, सेंस ORGANS, ऑर्गन्स, हेल्प अस नो, KNOW होता है नो, इसमें K साइलेंट है और W भी साइलेंट है, आप इसको क्या रीड करेंगे? नो। अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, है ना, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है या जो दुनिया है उसके बारे में जानने के लिए जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, वो हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? संवेदी अंग, जो हमको किसी चीज़ के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। दे आर कौन कौन से हैं? आईज आँखें, ईयर्स कान, नोज नाक, टंग जीभ एंड स्किन। ठीक है, हमारी जो चमड़ी है स्किन, तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स है, आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन। नाउ कम ऑन पेज नंबर 17, लुक हियर। पेज नंबर 17 पर बेटा आपको ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये विथ डायग्राम, आपको विथ पिक्चर यहाँ पर शो किए हुए हैं। आईज, तो यहाँ पर देखो आईज की पिक्चर बनी है। ईयर्स, तो ईयर्स की पिक्चर बनी है। टंग, टंग मतलब जीभ की पिक्चर बनी है। नोज, नोज मीन्स नाक की। और स्किन मतलब ये हमारी क्या है? चमड़ी, हमारी स्किन है जो हमारी बॉडी को कवर करके रखती है, हमने लास्ट वाले चैप्टर में रीड किया था। ठीक है, अब इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, लेबल ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स इन द इमेज बिलो। इमेज मतलब होता है ये पिक्चर। इस पिक्चर में आपको ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स ऊपर दिए हुए हैं वो यहाँ पर लेबल करना है, मतलब आपको नेम लिखना है। जैसे आईज है तो आप ऐसे करके क्या लिखेंगे? आईज। ठीक है, ईयर्स है तो यहाँ पर आप क्या लिख देना? ईयर्स। फिर आपको बताना है नोज कहाँ है, टंग कहाँ है, स्किन कहाँ है। तो ये आपका होमवर्क है ना। ठीक है, तो आप चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, फिर खुद से रीड करेंगे, देन उसके बाद ये अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का चैप्टर मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। जब तक आपको ये अच्छे से रीड करके और जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसकी स्पेलिंग भी आपको लर्न करके रखना है। ओके, तो यहाँ तक आप अच्छे से अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।